हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो आज का डेट देखा हमारे महत्वपूर्ण रिक्त स्थान कक्षा 10 मध्य प्रदेश बोर्ड जनरल इंग्लिश के लिए। तो चलिए हमारा वीडियो जो स्टार्ट करते हैं। तो ये रिक्त स्थान काफ़ी सरल होते हैं, अगर आप एक बार इनका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एक बार इनके जो अर्थ समझ लेते हैं, तो आपको कभी भी जो एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा रिक्त स्थान है कि ही इज़ टू बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, ठीक है। और यहाँ पर हमें गोस, गोइंग टू और वेंट यहाँ पर ऑप्शन देकर रखें, और ये काफ़ी आईएमपी रिक्त स्थान है। तो ठीक है, यहाँ पर आप क्या भरेंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको गोइंग टू भरना है। अब कैसे देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो रिक्त स्थान के पहले इज़ आया है और एम इज़ आर, ये तो आपने सुना ही होगा। ये होता है कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। कंटिन्यूस टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसमें एम इज़ आर के पीछे जो है हमें आईएनजी लगाना होता है, ठीक है। अब आपको देखना है कि एम इस आर अगर लगा है तो रिक्त स्थान के पीछे जो भी वर्ड आएगा उसमें लगा होगा आईएनजी। बिल्कुल सिंपल से ट्रिक है, याद रखिए, अगर रिक्त स्थान के पहले एम इस आर दिया है तो उसके पीछे अगर रिक्त स्थान खाली दी हुई है तो वहाँ पर जो है जो भी वर्ड आएगा उसमें आईएनजी लगा हुआ होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गोइंग के पीछे आईएनजी है और बाकी जो दो वर्ड दिए उसके पीछे आईएनजी नहीं है, तो हमारा गोइंग टू लग जाएगा, काफ़ी सरल है। दूसरा रिक्त स्थान देखिए, दूसरा रिक्त स्थान हमारा कहता है आई एंटर्ड द रूम, इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। और यहाँ पर हमें अस लॉन्गस और अस सुनस अभी दिया हुआ है। अब अगर आप इसका अर्थ जान जाए, अस लॉन्गस और अस सुनस, तो आप इसका बहुत ही आसानी से जो है रिक्त स्थान भर सकते हैं, ठीक है। अस लॉन्गस, ठीक है, जो पहला होता है उसका अर्थ होता है हमारा जब तक, ठीक है। और अस सुनस इसका अर्थ होता है आपका जैसे ही, ठीक है। आपको याद रखना है अस लॉन्गस का आपका हिंदी अर्थीय अर्थ होता है जब तक, और अस सुनस का होता है जैसे ही, ठीक है। अब हम इसे रिक्त स्थान में बैठा कर देखते हैं कि कौन परफेक्ट बैठता है, ठीक है। सबसे पहले हम रिक्त स्थान पढ़ते हैं कि इसका हमें अर्थ क्या निकल रहा है। रिक्त स्थान छोड़कर रखी हुई है और यहाँ पर हमें आगे लिखा है आई रे एंटर द रूम, यानी मैं जैसे ही रूम में गया, इट स्टार्ट रेनिंग, रेनिंग यानी बरसात शुरू हो गई, ठीक है। जैसे ही मैं रूम में गया तो बरसात शुरू हो गई। अब यहाँ पर हम लिख नहीं सकते अस लॉन्गस, क्योंकि जब तक मैं रूम में गया बरसात शुरू हो गई, ये जम रहा है या नहीं जम रहा है, हम लिखेंगे अस सूनस, यानी जैसे ही मैं रूम में गया तो बरसात शुरू हो गई, तो अस सूनस आपका लग जाएगा। अगला देखिए, अब अगला रिक्त स्थान उससे भी ज़्यादा सरल है कि ही इज़ नॉट अलाउड द लीव द रूम, लीव द क्लास रूम, यानी तुम्हें आज्ञा नहीं है कि तुम क्लास के बाहर निकल जाओ। ही कंप्लीट हिज वर्क, अपना कार्य करने के पहले, मतलब तुम अपना कार्य करो उसके बाद रूम से बाहर निकलना। अब देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन देकर के इफ़, अनलेस और अस, ठीक है। तो इसका भी आप अर्थ जान लीजिए, इफ़ का हिंदी अर्थ होता है अगर, ठीक है। अनलेस का अर्थ होता है जब तक, और अस का अर्थ होता है जैसे, ठीक है। अब हम इसे बिठा कर देखेंगे कि अगर हम इसमें लगा दें इफ़ यानी अगर, ठीक है, तो क्या बनेगा इसका अर्थ कि तुम्हें रूम से बाहर निकलने की, मतलब तुम रूम से बाहर नहीं निकल सकते अगर तुम अपना कार्य कर लेते हो, तो ये तो बिल्कुल गलत आ जाएगा आपका। लेकिन अगर उसी की जगह हम अनलेस लगा दें रिक्त स्थान में तो क्या बनेगा हमारा कि तुम रूम से बाहर नहीं निकल सकते जब तक तुम अपना कार्य कर नहीं लेते, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो यहाँ पर हम अनलेस लगा देंगे, जब तक तुम अपना कार्य कर नहीं लेते तुम रूम से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा लग जाएगा, अनलेस लग जाएगा। अगला देखिए, अब अगला है इट वाज अ एक्सीडेंट दैट शी फील डाउन, ठीक है। अब देखिए इसकी भी एक सिंपल सी ट्रिक है, अगर आपको ए एन द पूछा जाए, आर्टिकल्स अगर पूछे जाते ए एन द, तो उसकी सिंपल सी ट्रिक है, जो रिक्त स्थान आपको दी है उसके पीछे जो वर्ड लिखा है उसको आपको उठा लेना है। तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान के पीछे क्या लिखा है, एक्सीडेंट का ए लिखा है, तो ए को हम उठा लेंगे, और आपको इसको कन्वर्ट कर देना है हिंदी में। तो ए को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो क्या बनता है हमारा, इस प्रकार से ए बनता है। और अगर ये हिंदी में अगर स्वर आता है तो आपको लगा देना है ए एन, ठीक है। और अगर इसी प्रकार से हिंदी में अगर व्यंजन बन जाता है तो आपको लगाना ए। और अगर रिक्त स्थान के पीछे अगर कोई ऐसा शब्द लिखा है, कोई ऐसा वर्ड लिखा है जो कि दुनिया में केवल एक है, तो उसके लिए हम लगा देंगे द, जैसे ताजमहल हो गया आपका, एफिल टावर, ठीक है, तो उसके लिए हम लगाएंगे द, ठीक है। अब देखिए रिक्त स्थान है, उसके पीछे हम ए उठा लेंगे और ए को कन्वर्ट करेंगे हिंदी में, और ये आ जाता है हमारा स्वर, और स्वर के लिए हमको लगाना है ए एन, ठीक है। तो यहाँ पर ए एन लग जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल। अगला आपका विल यू प्लीज़ गिव मी मनी, और यहाँ पर एनी और सम। अब देखिए ये भी काफ़ी सरल है, एनी और सम का यूज़ करना, ठीक है। अगर आपको कोई जो सेंटेंस दिया है उसमें आपको एनी और सम अगर फिल करने का बोल रहा है, तो आपको देखना है सेंटेंस अगर नेगेटिव है वहाँ पर बिंदास एनी भर दीजिए, अगर सेंटेंस अगर पॉजिटिव है वहाँ पर आपको सम भर देना है। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये कहीं पर भी हमें नेगेटिव नहीं नज़र आ रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव है, इसलिए हम यहाँ पर भर देंगे सम, ठीक है। ये सिंपल से आपकी एक ट्रिक है एनी और सम भरने की। और एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर आप सम भरते हो और उसके पीछे अगर, मतलब मान लीजिए सेंटेंस अगर नेगेटिव भी आ जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है सेंटेंस नेगेटिव आ जाता है और रिक्त स्थान दी हुई होती है, और उसके पीछे अगर कोई ऐसा नाउन हो जो कि अनकाउंटेबल हो, मतलब जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन हो, जैसे आप लिख सकते शुगर, शुगर जो हमारी
शक्कर होती है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपको वहाँ पर सम लगाएंगे आप, ठीक, क्या लगाएंगे, सम, ठीक है। लेकिन आपको छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, अगर सेंटेंस जो है नेगेटिव आता है एनी लगा दीजिए, अगर पॉजिटिव आता है तो सम लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस जो है हमारा पॉजिटिव है इसलिए हम सम लगा देंगे, इसलिए हमारा सम लग जाएगा। अगला देखिए आप, अगला यू डू इट, यू डू इट और रिक्त स्थान देकर रखिए और हमें दिया है मैन कैन कुल्ड, तो ये भी काफ़ी सरल है। रिक्त स्थान में अगर आपको मैन कैन कुल्ड दिया है तो आपको ये भी सरल है। तो देखिए मे का अर्थ जान लीजिए, मे का अर्थ हम लेते हैं आज्ञा लेने के लिए, जिसे आप कहते होगे मे आई कम इन सर स्कूल क्लास में जाने से पहले, तो मे का अर्थ होता है आज्ञा लेने के लिए, आप उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमें आज्ञा दी जा रही है क्या या ली जा रही है क्या, नहीं दी जा रही ना। और कैन का आपका दूसरा कैन जो होता है उसका अर्थ होता है क्षमता बताने के लिए, कि मैं इतना वजन उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट इट, मैं इतना वजन उठा सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्षमता बताई जा रही है कि हाँ क्षमता बताई जा रही है। डू का अर्थ होता है करना, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है यू डू इट, क्या तुम ये कर सकते हो, मतलब आपकी क्षमता बताई जा रही है। तो क्षमता के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का, तो यहाँ पर हमारा कैन लग जाएगा। अगला देखिए आप, द टीचर डज नॉट नॉइज़ इन द क्लासरूम, ठीक है, जो है शिक्षक है वो क्लासरूम में जो आवाज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक और लाइक्स आपको यहाँ पर भरना है। अब देखिए अगर आप सेंटेंस पर गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, डज नॉट, मतलब ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। और जहाँ पर भी डज नॉट लग जाता है या डज लग जाते हैं, डू डज डिड जहाँ पर भी लग जाते हैं, उसके पीछे जो भी आपकी वर्ब होगा वो केवल उसमें यस यस नहीं लगेगा, वो अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। तो देखिए यहाँ पर डज नॉट लगा है और उसके पीछे जो भी वर्ब आएगा वो अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। तो लाइक देखिए फर्स्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम लाइक लगा देंगे। अगला देखिए आप, अगला है माई ब्रदर इज़ SDO, ठीक है, मेरा जो भाई है वो SDO है। अब यहाँ पर ए अंदर फिर से भरने के बोल रहे हैं, तो हमें क्या करना है, रिक्त स्थान के पीछे जो भी जो वर्ड लिखा है उसे उठा लेना है। तो एस लिखा है, एस है और इसे हम बदलेंगे हिंदी में, तो हिंदी में एस को इस प्रकार से हम लिखेंगे। और जो हिंदी में हमने बदला उसका पहला वर्ड जो भी अगर आता है, स्वर आता है तो एन लगा दीजिए, व्यंजन आता है तो ए लगा दीजिए। तो देखिए ए क्या आ रहा है, हमारा हिंदी का स्वर आ रहा है, तो हम कौन सा लगाएंगे, एन, ए नहीं लगाएंगे, तो एन आपका यहाँ पर बिल्कुल से होगा। अगला आपका कि रमा वांटेड टू नाउ शी वॉज डूइंग, ठीक है, कि रमा चाहती है, रमा जानना चाहती है कि वो कैसे क्या कर सकती है, शी वॉज डूइंग, ठीक है, वो क्या कर रही है, ठीक है। तो वेयर व्हाट और व्हाइल यहाँ पर लगाना। अब देखिए वेयर हम कहाँ पर लगाते हैं, स्थान के लिए, कोई भी स्थान के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो वहाँ पर हम लगाते हैं वेयर। तो यहाँ पर हमारे स्थान के बारे में बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ वेयर का, तो हम कहते हैं वेयर आर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो देखिए रहते हो ये स्थान की जानकारी आ रही ना, तो वेयर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, स्थान के लिए, ठीक है। और व्हाट का अर्थ होता है क्या, ठीक है, हम किसी से भी कोई चीज़ पूछते हैं क्या तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि रमा चाहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, डूइंग का मतलब होता है क्या कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या का बोध हो रहा है इसलिए हम व्हाट लगा देंगे, ठीक है। अगर स्थान का बोध होता तो हम वेयर लगाते, तो यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, व्हाट लग जाएगा। अगला देखिए आप, अगला रिक्त स्थान भी हमें आर्टिकल पूछा गया है। अगला रिक्त स्थान देखिए दसवां, कि हिज फादर इज़ MLA और यहाँ पर ए एन द का हमें प्रयोग करना है। अब देखिए रिक्त स्थान के बारे में मैंने आपको कहा था ए एन द का प्रयोग करने के लिए, रिक्त स्थान के बारे में जो भी वर्ड लिखा है उसे उठा लीजिए, तो M लिखा है तो M उठा लेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे हिंदी में, और हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद अगर स्वर आता है तो एन लगा दीजिए, अगर व्यंजन आता है तो ए लगा दीजिए। तो यहाँ पर आया हमारा स्वर हिंदी का, तो हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, बिल्कुल सरल। अगला है आपका डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स द चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पर बिटवीन और अमोंग का यहाँ पर अमोंग आपको यूज़ करना है। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर रिक्त स्थान के बाद अगर दो लोगों का जिक्र है या पूरे सेंटेंस में अगर केवल दो ही लोगों का जिक्र है तो वहाँ पर आपको लगाना है बिटवीन, और अगर दो से ज़्यादा का जिक्र है तो वहाँ पर आपको लगाना है अमोंग, ठीक है। अगर दो का जिक्र है तो वहाँ पर आपको लगाना है बिटवीन सेंटेंस में, और अगर दो से ज़्यादा का है तो वहाँ पर आपको लगाना है अमोंग। अब देखिए हम 11वां रिक्त स्थान आप पढ़िए, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट द चिल्ड्रन, यानी बच्चों में बांटना है। अब देखिए यहाँ पर दो का तो नहीं है, बच्चे यानी बहुत सारे बच्चे भी होंगे, तो बच्चे बहुत सारे हैं तो यहाँ पर हम लगाएंगे अमोंग, अगर दो का रहता तो हम बिटवीन लगाते। अगला देखिए आप, ही हैज़ इन्वाइटेड टू हिज बर्थडे पार्टी, देम देयर और दे का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। अब देखिए देम का क्या, मतलब देम का जो अगर मैं आपको बताऊँ तो देम का अर्थ होता है उन्हें, ठीक है, देर का अर्थ होता है आपका जो अपने हैं, जो अपने, ठीक है, देम का अर्थ होता है उन्हें, देर का होता है जो अपने, और दे का होता है वे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यूज़ करना है कि ही हैज़ इन्वाइटेड, उसने उन्हें बुलाया, ठीक है, उसने बुलाया टू हिज़ बर्थडे पार्टी,
मतलब अपनी बर्थडे पार्टी में। तो यहाँ पर देखिए डेम का तो हम लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर डेम लग ही रहा है कि उसने बुलाया उन्हें, मतलब देखिए ही हैज़ इन्वाइटेड, उसने बुलाया। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे हम रिक्त स्थान में उन्हें, उन्हें का अर्थ क्या होता है डेम, यानी ही हैज़ इन्वाइटेड डेम टू हिज बर्थडे पार्टी, उसने उन्हें बुलाया। और देर तो हम लगाएंगे नहीं, देर का होता है जो अपने, यानी अगर हम लगा कर भी देखें तो सार्थक अर्थ निकलेगा ही नहीं। चलिए हम लगा कर भी देख लेते हैं। उसने उन्हें, उसने बुलाया जो अपने बर्थडे पार्टी में, तो ये जम रहा है क्या, नहीं जम रहा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बिल्कुल सिंपल में देम, उसने उन्हें भी बर्थडे पार्टी में बुलाया। तो आप इस प्रकार से हमारा देम लग जाएगा। अगला देखिए आप, द स्टूडेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर 3 डेज। तो देखिए इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए रहेंगे फोर और सिंस, ठीक है, फोर और सिंस दिए रहेंगे। अब इसकी भी एक ट्रिक है, अब याद रखिए, अगर देखिए रिक्त स्थान के बाद अगर कोई भी संख्या आपको दी है 3 डेज, 4 डेज, 3 मंथ, 4 मंथ, तो आपको वहाँ पर लगाना है फोर, ठीक है, अगर संख्या दी है तो। अगर रिक्त स्थान के बाद कोई भी संख्या दी है तो आपको रिक्त स्थान में फोर लगा देना है। अगर रिक्त स्थान के बाद अगर आपको कोई भी संख्या नहीं दी हो, असंख्यात्मक समय दिया हो, जैसे मॉर्निंग लिखते हैं मॉर्निंग, या फिर डे, असंख्यात्मक समय दिया हो, तो वहाँ पर आपको लगाना है सिंस। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, आपका संख्या दी है, तो संख्या में हम क्या लगाएंगे फोर लगा देंगे। रिक्त स्थान के बाद अगर कोई भी संख्या दी है तो रिक्त स्थान में आपको फोर लगाना है, अगर संख्या नहीं दी है तो सिंस लगाना है रिक्त स्थान में। अगला देखिए आप 14वां, कि वी गो टू स्कूल इन टाइम, ठीक है, कैन मस्ट और मे का आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। तो ये भी काफ़ी सरल है, आप अगर ध्यान से समझेंगे तो, कि वी मस्ट का आपका अर्थ होता है जरूर, ठीक है, मस्ट का अर्थ होता है जरूर, कैन का अर्थ होता है आपका क्षमता बताने के लिए, कोई भी क्षमता अगर आप बताते हो, और मे का आपका अर्थ होता है आज्ञा लेने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैन का यूज़ हो रहा है क्या, हम सबसे पहले देखते हैं, कैन का अर्थ होता है क्षमता, तो क्या यहाँ पर क्षमता बताई जा रही है क्या, नहीं बताई जा रही है, सेंटेंस में कहीं पर भी क्षमता नहीं बताई जा रही है। यहाँ पर तो स्कूल जाने की बात की जा रही है, कि वी गो टू स्कूल इन टाइम, यानी तुम्हें स्कूल जो है टाइम पर जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मस्ट की बात हो रही है क्या, मस्ट का अर्थ होता है जरूर, तो हाँ जरूर की बात हो रही है, यानी यहाँ पर रिक्त स्थान में अगर हम लगा दे जरूर, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बन जाएगा तुम्हें जरूर स्कूल जाना चाहिए, तो यहाँ पर कौन सा लग जाएगा हमारा मस्ट, और मे तो यहाँ पर आज्ञा तो ली नहीं जा रही है, इसलिए आपका मस्ट का अर्थ होता है जरूर, तो यहाँ पर जरूर लग जाएगा आपका। अगला आपका ही इज़ ऑनेस्ट मैन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वापस ए अंदर पूछ लिया गया, तो रिक्त स्थान के पीछे जो भी लिखा है उसका पहला वर्ड उठाएंगे, तो एच लिखा है एच हम उठा लेंगे, ठीक है, एच को कन्वर्ट करेंगे हिंदी में, और हिंदी का आता है यहाँ पर स्वर, और हिंदी का जब स्वर आता है तो हम लगाते हैं ए एन, ठीक है, तो काफ़ी सारे। अगला है डिस्ट्रीब्यूट द मनी राम एंड मोहन, अब यहाँ पर बिटवीन और अमॉन्ग पूछा है, तो मैंने आपसे कहा था पूरे सेंटेंस में अगर दो लोगों के बारे में कहा जा रहा हो तो बिटवीन लगा दीजिए, दो से ज़्यादा के बारे में कहा जा रहा हो तो अमॉन्ग लगा दीजिए। अब देखिए पूरे जो रिक्त स्थान है उसमें दो ही लोगों का जिक्र है, राम एंड मोहन, तो हम बिटवीन लगा देंगे, तो बिटवीन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपका दिस इज़ अ वेरी लाइट बॉक्स, ये जो है बॉक्स है वो काफ़ी हल्का है, यू लेफ्ट इट, तुम्हें उठाना है। अब देखिए यहाँ पर कैन और कुल्ड दिया है, अब मैंने आपको कहा था कैन का उपयोग आपको क्या करना है क्षमता बताने के लिए, तो यहाँ पर देखिए आपकी क्षमता बताई जा रही है कि क्या तुम इसे उठा सकते हो, तो हाँ यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम, कैन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, हम इसे उठा सकते हैं, यू कैन लेफ्ट इट। अगला आपका 18वां और लास्ट है इस पार्ट का, यू आर सिटिंग सीता एंड गीता, यहाँ पर बिटवीन और अमॉन्ग का आपको यूज़ करना है। मैंने आपको कहा था सेंटेंस में दो का जिक्र हो तो बिटवीन लगा दीजिए, दो से ज़्यादा का जिक्र हो तो अमॉन्ग लगा दीजिए। अब देखिए रिक्त स्थान है उसके पीछे दो का ही जिक्र है, तो दो का जिक्र होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का, अमॉन्ग का नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आपका पार्ट 1 था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।